अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद काजिम खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एडवेंचर वाइज। आज जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाली है। इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं विज़िट के लिए जो है अपने फ्रेंड के पास यहाँ पर आया हूँ, बाल्टीमोर मैरीलैंड से लॉस एंजलस सिटी कैलिफोर्निया स्टेट। तो आज हम यहाँ पर ऐसी विज़िट के लिए आए हैं। यहाँ पर ये इलाका जो है वो हॉलीवुड एंड हाईलैंड बुलेवर्ड है और यहाँ के मज़ीद आपको चीज़ें बताएंगे, मेरे फ्रेंड भी मेरे साथ हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो बहुत ही आपको पसंद आएगी। हमने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी मिल जाए, और लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, जिसको आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत वीडियो होने वाली है, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर हमारे साथ रहिए। एंड आई एम सॉरी कि मेरा हुलिया बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि मैं ड्राइव करके आया हूँ, तो उस वजह से आई एम टू मच टायर्ड, तो मेरा हुलिया जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वजह से। लेकिन टाइम भी शॉर्ट है, मैं काम के लिए आया था यहाँ पर दोस्त के पास, तो कल मेरी वापसी है, लेकिन बेबी के मुझे जाने ना दें और फिर शायद परसों फिर मैं इंशाल्लाह निकलूँगा। काफ़ी लोगों का हुजूम है यहाँ पर, स्टार्स देख सकते हैं आप, ये सारे स्टार्स नजर आ रहे हैं और बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मौसम बहुत अच्छा है एले का, ना यहाँ बारिश होती है ना यहाँ ठंड बर्फ़ पड़ती है। एले में कैलिफोर्निया के कुछ इलाकों में, दूसरे इलाकों में बर्फ़ पड़ती है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, घंटे डेढ़ घंटे की ड्राइव पे जो है वो स्नोफॉल होता है वहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं होता। यहाँ के हर डिफरेंट प्लेसेस के डिफरेंट नज़ारे हैं, डिफरेंट वेदर है, बिल्कुल मुख्तलिफ। हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है और मज़ीद आपको प्लेस दिखाते हैं आपको। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो मेरी ट्रैवल थी मेरी वहाँ बाल्टीमोर मैरीलैंड से लॉस एंजलस कैलिफोर्निया तक की आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मज़ीद मेरे साथ रहिएगा, आपको मज़ीद आपको प्लेसेस दिखाते हैं, क्योंकि आज मेरी अराइवल है, तो आज कल डिफरेंट प्लेसेस के इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा मैं, जो भी अच्छे प्लेसेस हैं या विजिट प्लेस हैं इंशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही पूरी दुनिया में मशहूर है, रैकेट, कैपिटल रैकेट, कैपिटल रैकेट। देख सकते हैं आपको लाइटिंग इसकी दिख रही है, ये और वर्ल्ड फेमस है ये, बिल्कुल दिख रहा है आपको कैपिटल रैकेट। और अब हम जा रहे हैं डाउनटाउन की तरफ, डाउनटाउन के करीब है ये सारे, आपको जो दूर जो है बिल्डिंग्स दिख रहे हैं ये सारा डाउनटाउन है। मेरी आवाज़ भी जो है वो काफ़ी चेंज हो गई है क्योंकि मौसम ख़राब होने की वजह से ना, मौसम की चेंजिंग जो हुई है और रास्ते में जो है थोड़ा सा बेहतियाती हुई है, ठंड लगी है और एहतियात नहीं की, जिसकी वजह से मेरा थोड़ा सा कितना ही ब्यूटीफुल मंजर है डाउनटाउन का। इस वीडियो को तो कम से कम 5000 लाइक तो बनते ही बनते हैं,
एक्सपेक्ट तो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, लेकिन 5000 लाइक तो बनते ही हैं। डाउनटाउन का खूबसूरत मंजर, हॉलीवुड बुलेवर्ड, ये नजर आ रहा है आपको साइन इसका। मतलब कि दुनिया के लोग आते हैं इस इलाके की सैर करने के लिए, विजिट करने के लिए। सारे का सारा लॉस एंजलस ही बड़ा ही जबरदस्त खूबसूरत विजिट प्लेस है। लॉस एंजलस और पहुंच चुका हूँ। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, मौसम वेदर बहुत ही अच्छा है यहाँ का, खूबसूरत वेदर है यहाँ का। यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। हम दूसरी तरफ जा रहे हैं और ये देख लें, बहुत ही खूबसूरत प्लेस है और हॉलीवुड एंड हाईलैंड सेंटर कहते हैं इसको। ये हमारे दोस्त भी हमारे साथ हैं जो यहीं रहते हैं एलए में। सो गाइस हाउ आर यू, इट्स मोहम्मद हियर। सो मिस्टर काजिम इज विद मी एंड आई एम ट्राइंग टू शो हिम द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम राइट ओवर देयर। यू कैन सी दोज वर्ल्ड स्टार्स लाइक एंड देन फ्रॉम दिस इज हॉलीवुड बुलेवार्ड। That way is Hollywood Boulevard up over there. This is Highland Center. This is Hollywood Metro Station over there. And if Kazim bhai follows me with my direction right in behind center, and right over there, this is Chinese Temple. Oh, that's great. The weather is such a great, and we are enjoying every day. Thank you so much. Thank you so much. जैसा कि मेरे फ्रेंड ने बताया कि वर्ल्ड फेमस एक्टर जो हैं और जो प्रेसिडेंट हैं और जो उनके सारे ना ये स्टार में नाम होते हैं, ये तो ये सारे सबके नाम इसमें यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ये इस तरह ये नेम्स होते हैं यहाँ पर, और बहुत ही फेमस जगह है और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए। तो आज हमारा तो खास तो पहला दिन है आज, तो देख सकते हैं आपकी ये सारे स्टार है। इसमें वर्ल्ड फेमस बॉक्सर जो मोहम्मद अली, उनका स्टार यहाँ नहीं है, उनका स्टार जो वॉल पे है जो अभी आपको दिखाएंगे। सारे स्टार यहाँ पर, उन्होंने कहा था कि मुझे मेरा स्टार जो है यहाँ ज़मीन पे मुझे नहीं चाहिए, मेरा स्टार जो है वॉल पे होना चाहिए। तो उनका स्टार जो है वर्ल्ड फेमस बॉक्सर मोहम्मद अली, उनका
जो है वो वॉल पे है, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये So all those stars are over the footsteps. People are walking over them. Okay, but the Mr. Muhammad Ali says, if you guys want to honor me, my star would have been on a wall. So they have honored him with his star on a wall. So I'm going to show you, and Mr. Kazim is going to make a video. Mujhe dekhna. Wow. Great. This is Muhammad Ali star. So now I'm going to taking it, and Kazim bhai is going to be staying with the Muhammad Ali star. Yeah, is Muhammad Ali famous, world famous boxer Muhammad Ali star. Here is a especially only Muhammad Ali star here, because he's told me I don't want him for the my star on the footstep and footpath, right? Because everyone is walking over there. That's why he told me, if you want to give me the honor, so my star I need for the my wall here, in the wall, not in the footrest and footpath. So Dolby Digital Studios, it's beautiful. I'm telling you. Now I am holding the camera, and Mr. Kazim is going to show you everything. I have to cover it. तो भी हम आगे जा रहे हैं स्टूडियो की तरफ। और ये काजिम भाई यहाँ देखें, ये मुझे विजिट करने के लिए आए हैं माशाल्लाह, इनकी मेहरबानी, थैंक यू सो मच। लेकिन ये कल वापस जा रहे हैं। चले मेरी तरफ देखें काजिम भाई। ये इनके जो ना ये लिखे हुए हैं, जैसे जैसे इनकी रहने हुई है ना, सारा ये देख सकते हैं आप। बहुत खूबसूरत जगह है विजिट करने के लिए। ऊपर की तरफ डॉल्बी स्टूडियो थिएटर की तरफ, इधर बाहर से देखेंगे, अंदर तो नहीं जाना है हमें, बाहर से बस सिर्फ व्यू देखने हैं। आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसके व्यू कैसे होते हैं। It's a kind of privilege to be there every time, honestly. The scenes are unforgettable and unimaginable. मुझे नहीं लगता कि हम सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं दोनों भाई। हम बिल्कुल सही आ रहे हैं, और हम यहाँ पर बस अपने व्यूअर्स के लिए खत्म करें इसको। अब हम वापसी जा रहे हैं यहाँ से, क्योंकि मैं तो 4 दिन ड्राइव कर गया हूँ, बहुत काफ़ी थकावट है, जाके रेस्ट करना है, और कल शायद स्टे करूँ। परसों मुझे वापसी दोबारा ह्यूस्टन जाते हुए वापस मुझे अपने घर की तरफ जाना है। अच्छी 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 जगह जाना, ये छोड़ कर उनको चले जाना है हॉलीवुड वगैरह। तो बस विज़िट के लिए आया था, तो कल स्टे करके परसों इंशाल्लाह फिर वापसी है। अब यहाँ से वापसी हो रही है, और ये देखने में मज़ीद स्टार यहाँ पर कुछ हैं, कुछ स्टार्स के स्टार्स हैं यहाँ पर। बहुत मशहूर एरिया है हॉलीवुड का ये, और इस फ्रेंड फुटपाथ पे जो है लोगों की चलने की जगह, वॉकिंग की, सारे स्टार्स हैं ये पूरे जितने भी हैं, इनके जो स्टार्स हैं, प्रेसिडेंट हैं, सब के नाम यहाँ पर मौजूद हैं। लॉस एंजलस का बहुत ही मशहूर और मारूफ इलाका हॉलीवुड एंड हॉलैंड से।
देख सकते हैं मस्जिद स्टार, पूरे ये जो फुटपाथ है ना इस पर सारे स्टार्स के नाम से। लेकिन हमारे सलाम है मोहम्मद अली साहब बॉक्सर को भी कि उन्होंने कहा कि मेरी ऑनर नहीं है कि आप मेरा नाम जो स्टार मेरे यहाँ लगाएं, और ताकि लोग जो है उसको अपने पैर तले रौंद दें, मुझे ऑनर देना ही है तो मेरा नाम जो है, मेरा स्टार जो है आप वॉल पे लगाएंगे। तो उसका वाहिद स्टार जो है वो मोहम्मद अली साहब जो बॉक्सर, वर्ल्ड फेमस बॉक्सर जो है, उनका स्टार जो वहाँ पर है। बहुत ही शॉर्ट टाइम है, सिर्फ दो दिन स्टे है मेरा यहाँ पर, और दो दिन के बाद है बस मेरी वापसी है। और कल शायद कुछ और मज़ीद अच्छे विज़िट प्लेस पे हम जाएंगे, कोई फेमस प्लेस पे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में उम्मीद है कि आपके सामने फिर वो ज़रूर आपके लिए लेकर आऊँगा उसको। कैलिफोर्निया स्टेज, और उसमें एक लॉस एंजलस एले, बहुत ही मशहूर व मारूफ सिटी है अमेरिका का ये, और काफ़ी विज़िट प्लेस हैं, काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं विज़िट करने के लिए। देख सकते हैं आप वर्ल्ड गिनीज बुक, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है गिनीज बुक का, उनका ये आउटलेट है, ऑफिस है मेन, और ये भी हॉलीवुड एंड हैरन स्ट्रीट जो है, बुलेवर्ड जो है वहाँ पर मौजूद है ये। गाड़ी के अंदर आ चुके हैं और जा रहे दूसरी तरफ, तो उम्मीद है कि वहाँ पर भी कुछ आपको देख सकते हैं आप डाउन टाउन की मेन स्ट्रीट में हम हैं इस वक्त, स्टेपल सेंटर, और बहुत ही डाउन टाउन का बहुत ही फेमस जो है जगह। ये देखें स्टेपल सेंटर, करीम अब्दुल जब्बार के साथ मेरी रिपोर्टर, ये वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है, ये मुसलमान होते हैं। ये देखें ये करीम अब्दुल जब्बार वर्ल्ड फेमस बास्केटबॉल लॉस एंजलिस, आप देख सकते हैं नाम इनका। करीम अब्दुल जब्बार बहुत ही फेमस प्लेयर थे ये लॉस एंजलस के, इनका देख लें आप,
स्टेचू ने बनाया हुआ, इन्होंने रखा हुआ है। और दूसरे प्लेयर्स भी हैं। ये स्टेपल सेंटर है, लेकर्स गेम वगैरह काफ़ी गेम्स होते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं आप। और अभी गेम कोई ख़त्म हुआ है तो लोग जो है वो अपने घरों को जा रहे हैं। बास्केटबॉल दूसरी और गेम्स वगैरह अंदर होते हैं, काफ़ी गेम्स होते हैं यहाँ पर। स्टेपल सेंटर ये देखें, अभी गेम ख़त्म हुआ है और काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो निकली, आप देख सकते हैं। डाउनटाउन का बहुत ही खूबसूरत इलाका, वाह सो ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा उन्होंने डेकोरेट किया है। माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग है ये, माइक्रोसॉफ्ट थिएटर। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे हैं।